हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी फ्रेंड दीप। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। आज के टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो है स्लीपलेसनेस के बारे में। मतलब वो लोग जिनको रातों को नींद अच्छे से नहीं आती। अब हम जब ऑफिस में होते हैं, अगर आप काम करते हो, तो दिन में ये सोचते हैं कि यार घर जल्दी जल्दी जाना है और उसके बाद में जल्दी से सो जाना है। इनफैक्ट हम जल्दी सो भी जाते हैं, लेकिन होता क्या है, बेड में जाने के बाद में काफ़ी देर तक नींद नहीं आती। ये सोचते रहते हैं कि भाई अगले दिन टारगेट कैसा होगा, खाना क्या लेके जाना, ये मूवी में क्या होगा, क्या पहन के जाए, फलाना ढिंकाना, बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन सोते नहीं है, क्योंकि आता ही नहीं है। ब्रेन जो है वो कंस्टेंटली फंक्शन करता रहता है। ये हो सकता है स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, या हमारा अगर प्रॉपर लाइफस्टाइल नहीं है उसकी वजह से भी हमें नींद नहीं आती है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ऐसे क्या चीजें हम कर सकते हैं जिसकी वजह से हम प्रॉपरली हमारी नींद ले सकते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको स्लीपिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है। क्या करते हैं वो, पूरा टाइम फिर फोन देखते हैं, टीवी देखते हैं, कैसे भी रात गुजारने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिस इज नॉट गुड फॉर द लॉन्ग रन। तो इसके लिए आज मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट लेके आई हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा स्लीपिंग डिसऑर्डर में, जिसका नाम है निद्रा न्यूट्रिशन। ये स्लीप वेल प्रोडक्ट है। दिस इज एक्चुअली गमीज जो मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में, और ये 100% सेफ है। मतलब इनका तो ये दावा है कि ये प्रोडक्ट लेने के बाद भी अगर आपको नींद नहीं आती है ना ठीक से, तो 100% पैसा आपका रिफंड कर देंगे ये लोग। निद्रा स्लीप वेल गमीज इंडिया का फर्स्ट मेलेटोनिन गमीज है, जो कि हमें कंफर्टेबल स्लीप देने में मदद करता है। सबसे पहले बात तो इसके अंदर मेलेटोनिन है जो हमारे स्लीप के साइकिल को रेगुलेट करता है। उसके बाद इसके अंदर ब्रह्मी है जो हमें रात भर अच्छे से सोने में मदद करती है, और इसके अंदर शंखपुष्पी एक्सट्रैक्ट है जो कि हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है। ये तीनों ही कॉम्पोनेंट जो है हमारे स्लीप पैटर्न को बहुत अच्छे से रेगुलेट करता है। ये बिल्कुल भी एडिक्टिव नहीं है और इससे आपको कोई भी हैबिट नहीं फॉर्म होने वाली है, क्योंकि ये क्लिनिकली प्रूवन है। इसके अंदर आपको 45 गमीज मिल जाएंगे, इस तरह के सैशेज में ये आते हैं, और अंदर इस तरह की गमीज आपको मिल जाएंगे। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा काम और रिलैक्स कर देती है, जिसकी वजह से हमें रात में बहुत अच्छी नींद आती है। ये नेचुरल आयुर्वेदिक एलिमेंट से बना हुआ ग्लूटेन फ्री GMO फ्री गमीज होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कोई स्लीपिंग पिल नहीं है। मतलब अगर आप मार्केट में जाते हो, डाइजोपाम एल्जोपाम ऐसे बहुत सारे आपको स्लीपिंग मिल जाएंगे, लेकिन उसका आपके बॉडी पे बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट होता है। बिल्कुल वो कंज्यूम मत करिएगा, उससे अच्छा अपना लाइफस्टाइल करेक्शन करिएगा अगर आप ये भी नहीं खाना चाहते तो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसको ट्राई करके देख सकते हो, क्योंकि ये कोई दवाई नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज एक गमी लेनी है आपको, और कम से कम 1 से 2 घंटा पहले, जैसे आप सोने जा रहे हो तो उसे 1 से 2 घंटा पहले आपको ये गमी खानी है। बहुत ही टेस्टी है, इसमें इसको खाने के लिए कोई पानी वानी की जरूरत नहीं है। बस चूस चूस के गमी को खा लीजिए और 1 से 2 घंटे बाद आप सोने चले जाइए। और एक बात की टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिएगा कि इससे क्या कोई साइड इफेक्ट होने वाला है, क्या ये खाते खाते मुझे इसकी एडिक्शन हो जाएगी और इसके बिना नींद नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके स्लीपिंग डिसऑर्डर को सिर्फ करेक्ट करता है और ये 100% सेफ है। तो अगर आपको ये खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसे बाय कर सकते हो। वैसे और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपना स्लीपिंग डिसऑर्डर फिक्स कर सकते हो। हमको तो कभी भी कॉफ़ी या टी दे दो, हम पी लेंगे। मतलब हम तो चाय लवर होते ही हैं, लेकिन इससे हमारी स्लीप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। इसकी वजह से 6 बजे के बाद आप कैफीन का इंटेक कम करिएगा, या नहीं करेंगे तो और ज्यादा अच्छा है, ताकि आपकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब ना हो। दूसरी बात है कि जो ऑफिस नहीं जाते हैं उनको दिन में खाना खाने के बाद सोने की आदत होती है, इससे भी हमारा स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और आपको रात को नींद नहीं आती है। तो अगर आपको रात को सोने में प्रॉब्लम है तो प्लीज आप इसको कंट्रोल करिए, इसको कम कर लीजिए, पावर नैप ले लीजिए 1-30 मिनट्स का, या तो फिर आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए। मतलब आप 10 बजे सोने जाते हो तो प्रॉपरली रोज 10 बजे सोने जाइए, और अगर आप 7 बजे उठते हो तो प्रॉपरली 7 बजे उठ जाइए, ताकि आपकी बॉडी का जो स्लीपिंग क्लॉक है वो फिक्स हो जाएगा और उसके बाद आपको स्लीपिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे पूरा दिन आप कुछ भी खा लीजिए, लेकिन रात के वक्त आपका खाना जितना लाइट रखोगे उतना अच्छा है। बहुत पुराने टाइम से बोला जाता है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करिए, ये इसके लिए भी बोला जाता है ताकि आपको अच्छी नींद आए। जितना आपका पेट खाली होगा उतना अच्छे से आपको नींद आएगी। तो रात के वक्त एकदम लाइट फूड आप कंज्यूम करिए। कोशिश करिए कि जब आप सोने जाओ तो अपना फ़ोन साथ में न ले जाओ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमें फ़ोन में ही अलार्म लगाना होता है। तो अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे रखिए, और एक बार आप बेड में चले जाते हो तो अपना फ़ोन का स्क्रीन बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि उससे भी हमारे दिमाग में एक्टिविटीज़ चलती रहती है, जिसकी वजह से हमारा स्लीप का पैटर्न जो है वो ख़राब होता है। तो उसको अवॉइड कीजिए।
सोने से पहले अगर आप अच्छे से नहाते हो, एक बाथ लेते हो, तो भी आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा स्लीप जो है स्टिमुलेट होता है। ऐसा बहुत सारे वक्त देखा गया है कि गर्मियों में हम जब नहाकर सोते हैं तो हमें अच्छी नींद आती है। यही उसका रीज़न है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो कूल डाउन हो जाती है और रिलैक्स्ड हो जाती है। इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि हमारा बेड कैसा है। हमारा बेड जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, पिलोज भी जो है वो कंफर्टेबल होने चाहिए, तो हमें बहुत कोजी लगता है, उसकी वजह से भी हमारी नींद जो है वो अच्छी होती है। वैसे तो बोला जाता है कि पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन आपको रात के वक्त पानी का इंटेक कम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे तो आपको फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, उससे भी आपकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो उसका फ्रिक्वेंसी आप कम कर दीजिए, लिमिट कर दीजिए, और पूरे दिन में जितना चाहिए उतना आप पानी पी सकते हो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, क्योंकि हम सबकी लाइफ बहुत ही सेडेंट्री है। ऑफिस में भी जाते हैं तो 9 घंटा सिर्फ बैठे रहते हैं, घर में भी बैठे रहते हैं टीवी के सामने। तो थोड़ी सी अगर एक्टिविटी कर लो, 30 मिनट्स की वॉक कर लो, या घर में थोड़ा सा योगा कर लो, या जुम्बा कर लो, एरोबिक्स कर लो, कुछ भी जो आपको पसंद है वो कर लो। ये सारे टिप्स आप फॉलो कर सकते हो और आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर जो है वो करेक्ट कर सकते हो। लेकिन आई थिंक आप सबको इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होगी, लेकिन हमारा लाइफ स्टाइल करेक्शन करना इतना आसान नहीं होता। इसकी वजह से मैं रिकमेंड करूंगी कि आप यूज़ कर सकते हो ये निद्रा न्यूट्रिशन का स्लीप वेल प्रोडक्ट। ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है यार, बहुत सेफ भी है, तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो। सबसे अच्छी बात क्या पता है, इसको लेने के बाद ना आपका स्ट्रेस लेवल भी काफी कम हो जाएगा, क्योंकि स्लीप से ना आपके बॉडी में बहुत सारी अच्छी चीजें होने लगती है। मतलब आपका बॉडी प्रॉपरली रिपेयर हो पाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन भी कर पाती है। तो आप इसको ट्राई करके एक बार देख सकते हो। तो चलिए, कंटेंट अगर आपको पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, कॉमेंट करके मुझे बताइएगा कैसे लगा आपको कॉन्टेंट। बहुत जल्द मिलती हूँ आपको एक नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।